जिला फतेहगढ़ साहिब दे सुखचैन सिंह वल्लों 12 साल तो जैविक खेती की जा रही है। उन्हां दा कहना है कि पहला शौक वजो शुरू की खेती उन्हां दा जुनून बन गई। पंजाब दे विच जिहड़ा कई सालों तो बहुत जमीन च जहर पै रहा है तो सोचा तो इन्ना की सीगा कि मैं इन्नी के जमीन लैके बुढ़े बारे अपने परिवार को कुछ थोड़ा चंगा प्रोडक्ट दे दिया करांगा। पर हौली हौली कदम अगे वधदा गया, हर पॉसीबल फसल जिहड़ी इस जमीन च हो सकती असीं बीजदे आं। रवायती जिहड़ी कणक है बासमती आ वो तो बीजदे आं। उहदे नाल असीं मेजर जिहड़ा अगला जोर है स्ट्रेस है वो चारे ते है, क्योंकि साडे कोल गऊआं ने, असीं गऊआं नूं ऑर्गेनिक ही चारा पाउने आ। तो तकरीबन हाफ ऑफ द लैंड जिहड़ी आ ना दैट इज ऑक्यूपाइड विद ग्रीन फॉडर। सुखचैन सिंह का कहना है कि पंजाब के होर किसानों नूं भी रवायती खेती चों निकलण दी कोशिश करनी चाहिए है। उन्हां कहा कि ज़्यादा नहीं तो किसान नूं खुद लई सब्जी ते दुध जैविक तरीके नाल तैयार करना चाहिए है। उन्हां नूं मैं ये गल करूँ कहांगा कि तुसीं भाई इंज कम करो, हुण तुसीं मेहनत करनी छड्ड गए, थोड़ी जी मेहनत वध करनी शुरू कर दिओ ते जिहड़ा खर्चे ने उह थोड़े घटा लो ते तुहाडी जिंदगी थोड़ी ठीक हो जाऊगी। पर थोड़ा थोड़ा करके जे तुसी करोगे ते तां ही है इस गल चों 100% ते हुण कणक झोने दे साइकल चों नहीं निकलिया जाना, पर थोड़ा थोड़ा ही वाधा अपने वास्ते, थोड़ी सब्जी अपने घर दी बीज लो, कुछ अपने घर वास्ते दुध चंगा लै लो। उन्होंने ऑनलाइन ग्रुप भी बनाया है जिस नाल समान दी विक्री आसानी नाल हो जाती है। मार्केटिंग साडे कोले व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए है जी, असी कोई भी चीज़ इतों फार्म तो प्रोड्यूस जाती है वो एक बार असी ब्रॉडकास्ट कर देने, फिर कस्टमर आप ही सानू कॉन्टैक्ट करते हैं। नहीं अच्छी कमाई हो जाती है जी, जे तुसी मेहनत करते हो तो कमाई तो अच्छी हो जाती है। इस संबंधी किसान दे पुत्तर दा कहना है कि सब दे सहयोग नाल सब कुछ संभव है। उन्हें कहा कि जेकर पिता जी वालों खेती की जाती है तो उन्हां वालों समान की ऑनलाइन विक्री की जाती है। साडा एक कलैक्टिव एफर्ट है जी, वो खेती करवाउंदे है और जिनी प्रोड्यूस है उन्हां दी देखभाल वो करते हैं। साडा एक घर चंडीगढ़ भी है तो असीं उत्थे रह के उहदी ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, प्रमोशन करते हैं सोशल मीडिया से, ते गां एंड कस्टमर तक उन्होंने दरवाजे तक जिहड़ी साडी प्रोड्यूस है असीं उह पहुंचाउंदे हां। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ETV ਭਾਰਤ।